और जैसे कि आपको पता है राखी आने वाली है और उसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का वीडियो है। मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि हम बहुत इजीली अपने भाइयों के लिए राखी बना सकते हैं, क्योंकि भाई रक्षाबंधन है तो राखी भी तो अच्छी होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस ये देखिए, ये थोड़ी राखियां हैं जो मैंने अपने भाई के लिए बनाई हैं, बहुत इजी हैं और यही मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमको मटेरियल्स चाहिए जो हैं, थोड़े से रिबन्स चाहिए हमें, एक कुकी कटर चाहिए और थोड़े से पेपर्स चाहिए और ग्लिटर शीट्स और फेविकॉल चाहिए हमें, सीजर एंड थोड़ा सा डेकोरेटिव मटेरियल चाहिए जो मेरे घर में रखा था। आप चाहे तो अपनी मर्जी का भी लगा सकते हैं डेकोरेटिव मटेरियल। तो फ्रेंड्स अब हम बनाते हैं अपनी फर्स्ट राखी। इसके लिए हमको एक पेपर चाहिए होगा और हमें इसका फैन बनाना है। अभी हमारे बन चुका है, अब इसको हमको फोल्ड करना है इक्वल। अब इसको फोल्ड कर दिया, अब हमको चाहिए फेविकॉल। तो ये रहा हमारा फेविकॉल, इसको हमें आधे पार्ट पर लगाना है ऐसे करके और फिर इसको क्लोज करना है, इसको अच्छे से प्रेस करना है और ये बन गया हमारा फैन। अभी हमारा फैन बन गया, अब हमको ऐसे ही थ्री और फैंस, हमारे फोर फैंस बन चुके हैं। अब हमको इनको साथ में स्टिक करना है। अब उसके लिए हमको वन साइड ऐसे फेविकॉल लगाना है, ऐसे लग गया हमारा फेविकॉल और अब इसके ऊपर दूसरा फैन चिपकाना है। ये ऐसे चिपक गया है, अब ये टू हो गए हैं। अभी हमको थर्ड वाला भी ऐसे ही चिपकाना है। और गाइस ये हमारा फोर्थ वाला है जो कि बस लग गया, ये भी स्टिक हो गया हमारा फोर्थ वाला। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा कितना सुंदर सा फ्लावर बन गया है। अब चलिए इसको डेकोरेट करते हैं। इसको डेकोरेट करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक छोटा सा ग्लिटर शीट का पीस और एक पेन जिसकी हम सर्कल बनाएंगे। तो अब सर्कल बनाते हैं इससे। हमारा सर्कल रेडी हो गया है, अब हम इसको कट कर देंगे। तो गाइस अभी हमारा सर्कल बन चुका है, अब हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। गाइस अभी हमारा पेस्ट हो चुका है, अब हम ये थोड़े से स्टार्स लेंगे, मेरे पास रखे हुए थे और आपको ये इजी स्टेशनरी स्टोर पर मिल जाएंगे और या तो आप ग्लिटर शीट से भी स्टार्स काट सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर लगाऊंगी। सो गाइस ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। अब हमें इसके लिए एक रिबन चाहिए होगा और एक और पेपर चाहिए होगा और अभी हम इसको सर्कल में काटेंगे। अभी देखिए ऐसे है, फिर पेन की हेल्प से हम इसको ऐसे ऑलमोस्ट हाफ सर्कल बना देंगे और अब इसको कट कर लेंगे। तो गाइस ये देखिए मैंने सर्कल काट लिए है। अब हमको अपनी राखी को ऐसे उल्टा करना है, अपनी जो रिबन है उसको ऐसे रखना है और इस पर फेविकॉल लगाना है और अब हम इसको यहाँ पर ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। इसको थोड़ा प्रेस करना होगा ताकि अच्छे से चिपक जाए। और अब देखिए आपकी सुंदर सी राखी तैयार है। गाइस अब हम बनाते हैं अपनी नेक्स्ट राखी, जिसके लिए हमको एक कुकी मोल्ड चाहिए और ग्लिटर शीट चाहिए और हम इसकी अभी आउटलाइन कर देंगे। तो गाइस अब मैंने ड्रॉ कर लिया है,
अब हम इसको कट करेंगे। आप चाहे तो कट खुद भी कर सकते हैं या अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हैं। अभी कट कर दिया मैंने, अब इसको डेकोरेट करते हैं। इसके लिए हमको चाहिए गूगली आईज, अब इनको हम स्टिक कर देंगे। गाइस ये गूगली आईज लग चुकी हैं, अब हम बनाएंगे इसके चीक्स। कुछ चीक्स के लिए कुछ सीक्वेंसेस चाहिए जो हम इसके चीक्स पर। आप ये बनाने के लिए कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ग्लिटर शीट को भी कट करके लगा सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने इसमें लगा रही हूँ। अब हम बनाएंगे स्केयर, जिसके लिए हमको और सीक्वेंसेस चाहिए। इसको हम इसे फेविकॉल लगाया हमने और इस पर इसे स्टिक कर दिया। सो गाइस अब आप देखिए इसके ईयर्स बन गए हैं। अब हम इसका माउथ बनाएंगे। इसको भी मैं ग्लिटर शीट से कट करूँगी। इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और अब इसको कट कर लेंगे। तो गाइस अब हमारी ये स्माइली बन गई है। अब हम इसको भी स्टिक कर देंगे, इसे फेविकॉल इसको लगाएंगे। अब हमारा इसका माउथ बन गया है। सो गाइस अब ये बन चुकी है। अब हम फटाफट से इसके पीछे रिबन लगा देंगे और हमारी राखी तैयार हो जाएगी। अब हमें सर्कल काटना है जैसे हमने पिछली वाली राखी में काटा था। तो गाइस हमारा सर्कल बन गया है। अब हम इसको स्टिक कर देंगे यहाँ पर। इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि अच्छे से हो जाए। गाइस देखिए हमारी एक और राखी तैयार हो गई। ये देखिए। सो गाइस अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट राखी। ये भी मैंने कुकी कटर की हेल्प से लेकर बना दिया था ये शेप। अब हमको इसके लिए सीक्वेंसेस चाहिए और ये छोटा सा मिरर चाहिए। अब हम इन सीक्वेंसेस को स्टिक कर देंगे। अभी हमारा मिरर स्टिक हो रहा है। देखिए हमारा मिरर स्टिक हो गया है। अब हमें बाकी के सीक्वेंसेस को स्टिक करना है। इसे किया हमने और यहाँ पर ऐसे लगा दिया। सो गाइस और आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैं मटेरियल्स यूज़ कर रही हूँ वही करें। आप अपने मर्जी के भी मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने वो यूज़ किए हैं। क्योंकि जैसा आप लोग भी पता है कि बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए आपके घर में जो मटेरियल अवेलेबल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस अब हमारा फ्लावर बन गया। अब हम इसके पीछे एक फ्लावर लगाएंगे ऐसे रखकर। इसके बीच में सर्कल लगाएंगे। अब हम इसको भी यहाँ पर ऐसे स्टिक कर देंगे प्रॉपरली। तो गाइस ये बन गई हमारी थर्ड राखी। बहुत इजी है ये बनाना। गाइस ये मेरी फोर्थ राखी है। बनाना बहुत इजी है। इसके लिए आपको एक ग्लिटर शीट चाहिए, उसके ऊपर आप कोई से भी अपनी चॉइस की शेप बना सकते हैं। मैंने फ्लावर बनाया है और उसके ऊपर आप अपने भाई का कोई भी फेवरेट टॉय या जो खराब हो रहा हो वो लगा सकते हैं। और जैसे यहाँ पर आप पीछे रिबन लगाएं जैसे हमने पिछले राखियों में किया है, और बस आपकी राखी रेडी है। सो गाइस ये बन गई हमारी फोर राखीज और इनको बनाना बहुत इजी है जैसे कि आपने देखा। आपको मेरे DIYs पसंद आए हों और आप अपने भी इनोवेटिव आइडियाज लगाकर इससे भी सुंदर राखियाँ बना सकते हैं। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपको मेरे DIYs कैसे लगे। मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।